दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपने गूगल क्रोम के लिए कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले करते हैं हम गूगल क्रोम को स्टार्ट, और क्रोम में यहाँ पर सर्च करते हैं एक्सटेंशन फॉर गूगल क्रोम या गूगल क्रोम एक्सटेंशन, आप सर्च कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक विंडो ओपन होकर दिखाई देगा, और तो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है। तो आप क्रोम वेब स्टोर पर जाकर, ये आपका वेब स्टोर है जहाँ पर आप एक्सटेंशंस देख सकते हैं। गूगल क्रोम की थीम भी आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे एक्सटेंशन हैं यार, क्या बात है। गूगल क्रोम में हम इन सारे एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले अभी मैंने यहाँ पर दो एक्सटेंशन को यूज़ ऑलरेडी करा हुआ है, जिसमें हमारा चैट जीपीटी और ऑफिस 365। तो एक्सटेंशन के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक्सटेंशन का आइकन यहाँ दिखाई देता है आपको लेफ्ट साइड पर एड्रेस बार के, और यहाँ पर मैंने एनहांस चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक्सटेंशन पहले से इसमें एड ऑन करा हुआ है। तो किसी भी नए एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए हमें करना क्या होगा, जैसे हम ये स्क्रीन कास्टिफाई करते हैं, ये हमें स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर यानी कि स्क्रीन को रिकॉर्ड करके एक वीडियो में फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला ऑप्शन है। तो इसको ऐड टू क्रोम करते हैं, और ऐड टू क्रोम करने के बाद यहाँ पे आप ऐड एक्सटेंशन करेंगे। ऐड एक्सटेंशन करने के बाद ये पहले आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करता है, चेक करने के बाद डाउनलोड करके इसको आपके एक्सटेंशन में ऐड ऑन करता है। और जैसे ही ये एक्सटेंशन में ऐड ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमें नोटिफिकेशन मिल चुका है। नोटिफिकेशन में इसको यूज़ करने का तरीका हमें दिया गया कि ऑल्ट शिफ्ट और एस के साथ हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप एक्सटेंशन एक बार चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा स्क्रीन कास्टिफाई एक्टिव हो चुका है, और यहाँ से स्क्रीन कास्टिफाई का जो पेज है वो ओपन हो जाता है जैसे ही आप एक्सटेंशन को बोलते हैं। इसके बाद आप इसको गूगल के थ्रू, गूगल अकाउंट के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं, और लॉग इन करने के बाद आप इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ये कंफर्म करेगा आपसे कि किस आईडी के थ्रू आपको लॉग इन करना है। आप लॉग इन करने के बाद, आईडी सेलेक्ट करने के बाद आप इसको अलाउ करेंगे। ये परमिशन आपसे रिक्वायर्ड करता है, और परमिशन जैसे ही आप इसको दे देंगे तो ये फाइनली आपके उस गूगल क्रोम में जिस आईडी के साथ वो चल रहा है वहाँ पर एड ऑन हो जाएगा। यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट हमसे मांगा गया है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे। कैसे आप इसको एटलीस्ट यूज कर रहे हैं, आप एज अ स्टूडेंट, टीचर या बिजनेस प्रोफेशनल। उसके बाद सेल्स, एचआर, मार्केटिंग, किस तरीके के आप वीडियोस को प्रेफर करेंगे, या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होगा, और इसको हम फिनिश करते हैं। और ये एक्सटेंशन में हमारी लॉगिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और इनेबल माइक और वेबकैम आप चाहें तो इसको अलाउ कर दीजिए। यूज़ योर कैमरा, यूज़ योर माइक्रोफोन, परमिशन हमने इसको रिकॉर्ड कर दिए, शो मी अराउंड। फाइनली ये आई थिंक सो हमारा सेटअप हो चुका है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है वो हमें बताया गया कि एक्सटेंशंस में से हमें यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग टूल हमें दिखा रहा है कि किस तरीके से हमें वो रिकॉर्डिंग करना है, माउस पॉइंटर पेन का कैसे यूज़ करना है। और इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद ये फाइनली पूरा सेटअप हो चुका है, और जो भी वीडियोस होंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे माई वीडियो के अंदर। आप चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, और एडिटर लॉन्च हो सकता है इसमें। ये एडिटर है इसका, स्क्रीन कास्टिफाई का एडिटर भी ओपन होने वाला है। ये देखिए साइन इन कर रहा है, और ये देखिए पूरा एडिटर एक्टिव हो चुका है। ये हमें टाइमलाइन दिखा रहा है, टाइमलाइन पर कुछ टूल्स दिए गए हैं हमें, क्रॉपिंग का टूल है, कट का टूल दिया गया है, और फाइनली ये सारी सर्विस यहाँ पर दी गई है। यहाँ से मीडिया ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम करते हैं इसको बंद, और ये देखिए एक्सटेंशन हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। स्क्रीन कास्टिफाई एक्टिव करने के साथ स्क्रीन कास्टिफाई देखिए अब स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ से रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेबकैम को इंक्लूड करना चाहें तो वेबकैम इंक्लूड हो जाएगा आपका, और सिर्फ वेबकैम के थ्रू अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते तो वो, और माइक उसमें यूटिलाइज करना चाहते तो भी।
इसी तरीके से यहाँ पर और बहुत सारे एक्सटेंशन हैं गूगल क्रोम के, जिनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनके साथ भी ये वीडियो शेयर हो पाए।